नमस्कार, आप सभी का एवन छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम बघेल के बयानों को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा, मनमोहन सरकार के समय एनआईए को सौंपी गई थी झीरम घाटी मामले की जांच। न्यायिक आयोग ने 2021 में सौंप दी थी पूरी रिपोर्ट, लेकिन कांग्रेस को आयोग की रिपोर्ट पर नहीं है भरोसा। संसद भवन के लोकार्पण को लेकर सियासत का दौर। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सहित विपक्ष को लिया निशाने पर। पूछा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शिलान्यास समारोह से राज्यपाल को क्यों रखा दूर। रायगढ़ की बेटी याशिनी जैन ने रचा इतिहास। माउंट एवरेस्ट फतह कर फहराया तिरंगा और जैन समाज का ध्वज। सीएम बघेल से मुलाकात के बाद शुक्रवार को जैन समाज ने किया स्वागत। खुद को सांसद का निजी सचिव बताकर लाखों की ठगी। बिलासपुर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगे 7.5 लाख। अब पीड़ितों ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग। अंबिकापुर के सरगुजा में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 21 लाख का धोखाधड़ी। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। महिला ने कराया था मुकदमा दर्ज। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयानों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि झीरम घाटी की जांच तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय एनआईए के हाथ में सौंपी गई थी और उन्होंने 1500 पृष्ठ की चार्जशीट भी दाखिल 2014 में की थी। भाजपा सरकार ने भी जांच आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्र की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट राजभवन को 2021 में सौंप दी गई थी, लेकिन सरकार को उक्त रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का विस्तार किया गया और इस आयोग का कार्यकाल भी 6-6 महीने बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन आज तक कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। झीरम के 10वीं वर्षी पे मैं सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक सवाल है जाँच का और जांच की प्रगति का, आपको स्पष्ट मालूम है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एनआईए का गठन किया। एनआईए सर्वोच्च संस्था है जो ऐसे जांच के लिए उपयुक्त होता है और मनमोहन सिंह जी ने सही किया। उन्होंने 15 प्रश्न के जांच रिपोर्ट भी पेश किया, चार्जशीट भी 2014 में दाखिल किया। आगे की कार्रवाई करना था, मगर भूपेश बघेल को संतोष नहीं हुआ। उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई, उनका भी रिपोर्ट गवर्नर के पास प्रस्तुत किया, मगर भूपेश बघेल ने 2 सदस्यीय फिर समिति एक गठन किया जिसमें जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया। ये पूरी प्रक्रिया मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते, मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विपक्ष सहित कांग्रेस पर तंज कसा है। संसद भवन के लोकार्पण को लेकर हो रही सियासत पर दिए बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास किया, सोनिया गांधी राहुल गांधी से कैसे करवाया, उन्होंने राज्यपाल को न्योता क्यों नहीं दिया था। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्तित्व की बात करते हैं जो यहाँ विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे। उन्होंने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि किस हैसियत से बहिष्कार की बात कर रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक लगाकर रद्द होने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को जमकर कोसा है। तो अंग्रेजों की कदमबोसी करना उनका धर्म था। स्वतंत्र भारत में भारत की अस्मिता का जो प्रतीक है संसद भवन, जो स्वतंत्र भारत में बना है, उसके उद्घाटन में गांधी परिवार ने अगुवाई की कि इसके शिलान्यास प्रधानमंत्री से, उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। और उस समय उनका स्वाभिमान कहाँ था? अंग्रेजों की सेवा में था। लेकिन इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी
सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विधानसभा भवन का शिलान्यास कैसे करवाए? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है? ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे जो यहाँ विधान भवन का या विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे? और भी देश में कई उदाहरण हैं, असम की विधानसभा और झारखंड की विधानसभा, ऐसे विधानसभाएं हैं जिसका शिलान्यास हुआ पर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। और ये लोग किस हैसियत से आज बोल रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं? तो ये संवैधानिक संस्था छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की पर्वतारोही बेटी याशी जैन ने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है। छत्तीसगढ़ जैन समाज की बेटी याशी ने एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा और जैन ध्वज फहराया। जैन समाज के लोगों ने याशी जैन का भव्य स्वागत किया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की याशी एकमात्र सदस्य है। माउंट एवरेस्ट फतह करने का अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ था जो 45 दिनों तक चला। अभियान पर जाने से पहले पर्वतारोही याशी जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। मैंने जो सोचा था वो जब मैंने वो अचीव कर दिया तो मुझे बिलीव हुआ कि आज के टाइम पे अगर कोई लड़की कुछ सोच लेती है तो उसको वो जरूर अचीव कर सकती है। जी काफ़ी संघर्ष था। सबसे पहला तो वहाँ का जो एडवर्स वेदर होता है, लगभग -40 डिग्री का वहाँ टेम्परेचर रहता है, तेज ठंड हवाएं चलती हैं और साथ ही साथ कभी भी एवलांच वगैरह आने का खतरा रहता है, कभी भी बर्फ गिर सकती है उसका खतरा रहता है, तो वो सब पार करते हुए मैं आगे बढ़ी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरी बिटिया ने मेरा नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। ऐसा लगता है कि हर माँ बाप की एक ऐसी बिटिया हो जो ऐसे ही नाम रोशन करे। कितनी उम्मीद थी आपको? 100% उम्मीद थी, भगवान पर पूरा विश्वास था और आप सबकी दुआएं, रायगढ़ शहर की, मेरे मित्रों की, मेरे सब रिलेटिव्स हैं, सबकी प्रार्थनाएं जुड़ी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल विश्वास था कि इस बार बिटिया फतेह करेगी ही। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर खुद को सांसद का निजी सचिव बताकर अज्ञात ठग 7,50,000 की ठगी करने में कामयाब होकर फरार हो गया। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ युवक युवती ने SP को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर पैसे वापस दिलाने की फरियाद लगाई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी होरीलाल अनंत ने अपना नाम राज अनंत बताकर मस्तूरी निवासी सारिका बंजारा से शादी का प्रस्ताव रखा और फिर नौकरी लगाने के नाम पर 3,50,000 रुपए की ठगी कर दी। इसके साथ ही उसने सारिका के परिजन मंजेश से नौकरी लगाने के नाम पर 4,00,000 रुपए लिए और फिर फरार हो गया। जब दोनों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने होरीलाल बंजारे उर्फ राज बंजारे से संपर्क साधा, लेकिन आरोपी से संपर्क नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर प्रार्थियों ने ठग से अपने रुपए वापस दिलवाने की मांग की है। अंबिकापुर में सरगुजा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए IPL मैच पर सट्टा लगाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्काई एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की IT का इस्तेमाल कर IPL मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने का कार्य कर रहे थे, साथ ही एजेंट के रूप में ऑनलाइन बेटिंग भी कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद अंबिकापुर बस स्टैंड, चोपड़ा पारा और चौपाटी के पास कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में तुलसी अग्रवाल, सतीश मिश्रा, सतीश अग्रवाल, अर्जुन यादव और आशु अग्रवाल शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से करोड़ों के हिसाब की पर्चियां और 6 मोबाइल के साथ 1,13,000 की नकदी भी बरामद की है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गांधीनगर थाना पुलिस ने जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी का महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चंद्रकांति भगत ने गांधीनगर निवासी लता खूंटे नामक महिला से 19 डिसमिल जमीन खरीदने की बात की थी। रजिस्ट्री के नाम पर 21,00,000 की धोखाधड़ी हो गई। चंद्रकांति ने जमीन खरीदने के लिए 5,00,000 रुपए अग्रिम राशि के रूप में नोटरी के समक्ष अनुबंध करने के बाद दिए थे और इसके बाद लता खूंटे ने जमीन की अनुमति लेने की कहकर 16,00,000 रुपए चंद्रकांति से ले लिए और कुल आपको बता दें कि इतनी रकम लेने के बाद भी वह जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रही थी। इस पर दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी लता खूंटे के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी लता खूंटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। गांधीनगर थाना अंतर्गत प्रार्थिया के द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनसे जो है आरोपिया लता खूंटे हैं उनके द्वारा जमीन का एग्रीमेंट कराया गया और उसके एवज में 21,00,000 रुपए विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन पेमेंट और साथ ही साथ चेक और बैंक चेक के माध्यम से उन्होंने 21,00,000 रुपए लिया था
और उसके बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। बाद में जब प्रार्थिया के द्वारा पता किया गया तो उक्त जमीन को ही किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी करके जमीन का बिक्री उसके द्वारा आरोपी के द्वारा कर दिया गया था। इस आधार पर शिकायत सही प्रतीत होने पर IPC की धारा 420/67/68 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियाँ जो है लता फूटे इसको गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दो भालुओं ने एक वृद्ध व्यक्ति पर घातक हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। भालुओं के हमले से सिर, चेहरे और जांघ में आपको बता दें कई जगह गंभीर घाव से पीड़ित को उपचार के लिए रेफर किया गया है। 112 की टीम ने CSC उदयपुर में भर्ती करवाया है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर वन परिक्षेत्र में जंगल पहाड़ी पर वृद्ध सिकंद आशा रहा था कि बरगद के पास पहले से मौजूद दो भालुओं ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों, छत्तीसगढ़ जनता चौकी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव किया, जहां छत्तीसगढ़ जनता चौकी कांग्रेस छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि विभाग अपने ग्राहकों से पूरा राशि वसूल करती है परंतु सुविधा देने के नाम पर नकारा साबित हो रही है। गुस्साए लोगों ने 15 दिवस का अल्टीमेटम चेयरमैन कार्यालय के घेराव करने और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पूरे पंडरिया क्षेत्र सहित जहां ये हमारा 132 केवी का सब स्टेशन लगा है, डोमसरा गांव, परसवारा गांव, कुम्ही गांव, हर एक गांव में बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं बिजली बंद होती है कि बिजली आती है, इसका लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। आज हमारे द्वारा बिजली विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए यहाँ के अधिकारियों को चेतावनी दिया गया है कि आप तत्काल हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे वनांचल इलाके हैं, वहाँ की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको विरोध प्रदर्शन का सामना। और खबरें यूं लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।